हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में, रसोई हाउस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है और अभी विंटर चल रहा है तो बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बैंगन ले लिया है और ये स्पेशल बैंगन भरता के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे ये दो बैंगन लाई थी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको बैंगन में कट लगा देना है ताकि इसके अंदर जो कीड़े वगैरह कुछ है तो वो हमको पता चल जाए। और अच्छे से कट लगाने से हमारा बैंगन जो है अच्छे से अंदर से रोस्ट होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 7 से 8 कट बैंगन में लगा लिए हैं। और ये देखिए, अभी मैं इसको गैस पे इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, इसको हमको गैस पे रख के इसको अच्छे से हमें सेक लेना है और चारों तरफ से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से सारे बैंगन को अच्छे से सेक लिया है। तो ये देखिए, अभी मैं गैस के ऊपर लहसुन के भी मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। और ये जो बर्न गार्लिक है, मतलब इसको बर्न करने से गार्लिक का टेस्ट भरते के अंदर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने इसको गार्लिक को भी अच्छे से मैं अभी इसको रोस्ट कर ले रही हूँ गार्लिक को। आप चाहे तो इसको बिना सेके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रोस्ट किया है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स इसका। तो अभी मैं यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे गार्लिक जो है मैंने इसको निकाल लिया है और इसके अभी एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने गार्लिक लिया है और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसके अंदर 5 से 7 हरी मिर्च डाली है मैंने कट करके। ये बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, आप चाहे तो इसके अंदर तीखी वाली हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी पेस्ट बन के तैयार है। मैंने यहाँ पहले से ही टमाटर और प्याज को कट करके रखा था फ्रेंड्स, और यहाँ पे साथ ही मैंने मेथी और धनिया को भी कट करके ले लिया है। आप चाहे तो कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सूखी मेथी का। मैंने यहाँ पे बैंगन को अच्छे से निकाल के उसके ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है, मैंने निकाल दी थी जली हुई। और ये यहाँ पे मैं बैंगन को अभी सारे बैंगनों को अच्छे से कट कर लूँगी, क्या कि हमको इसको पता चल जाए कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है वगैरह बहुत रहते हैं बैंगन में, इसलिए हमको अच्छे से देख के काटना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बैंगन मेरा यहाँ कम पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे बैंगन को भी मैंने यहाँ पे ले लिया था और इसको भी सेक के कट कर लिया था। और ये मैंने आपको दिखाया था बड़ा वाला बैंगन। तो ये है बैंगन, तो ये बैंगन को भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे बैंगन को कट कर लिया है। तो चलिए हम अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है। अभी हमने जो अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट बना के तैयार की थी वो डाल के हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा मैंने हम यहाँ पे इसको रोस्ट कर लेंगे। और हमारी ये पेस्ट भुनने के बाद यहाँ पे हम अगला स्टेप है, ये प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके लिया है। आप चाहे तो कम प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने डाल दिया है और अच्छे से अभी इसको भून लेंगे। इसको भी हम 5 मिनट तक थोड़ा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। और यहाँ पे मैं नमक भी डाल दे रही हूँ ताकि हमारी जो भुनने की प्रोसेस है प्याज की वो कम हो जाए, फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम जब भी नमक डालेंगे तो नमक प्याज जो है पानी छोड़ने लगेगा, तो अच्छे से हमारी प्याज भुन जाएगी अच्छे से। तो बाद में मैंने यहाँ पे टमाटर, कटे हुए टमाटर ले लिया है। तो ये मैंने तटका हुआ टमाटर ले लिया है और इसको भी हम अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे। हमें ये देखिए, मैं अभी टमाटर और प्याज को ढक करके 5 मिनट तक अच्छे से थोड़ा सा स्टीम होने छोड़ दूंगी। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारे जो प्याज और टमाटर है अच्छे से भून गए हैं और इसमें फ्लेवर भी आ गया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मिर्ची डाली है और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है।
दो टेबलस्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची डाला है जिससे कलर अच्छा आता है फ्रेंड्स। और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, आप कोई सा भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गरम मसाले सारे मसाले डाल के अभी हम ये सारे मसालों को भून लेंगे और थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ दे तब तक हम इसको भून लेंगे। और ये देखिए अभी अच्छे से हमारी जो ग्रेवी है तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्रेवी को भून लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से भुनने लगी है और इसमें जब तक हम अच्छे से स्मेल आएगी और स्मेल आने तक ये देखिए अभी हम लास्ट में ये मैं यहाँ पे हरी मेथी डाल रही हूँ। आप चाहे तो सूखी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हरी मेथी अभी विंटर चल रहा है तो मेथी बाज़ार में बहुत अच्छे मिलती है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन हरी मेथी का यूज़ किया है, कट करके डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बैंगन के भरते में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मेथी डाल के अभी मिक्स कर लिया है और अभी लास्ट स्टेज पे हम यहाँ पे जो हमने बैंगन भून के रखा था ना वही हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारा बैंगन यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम सारे बैंगन को ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं अच्छे से सारे मसालों को बैंगन के साथ में मिक्स कर लेते हैं अभी। और मिक्स करने के बाद भी हम इसको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा पका लेंगे ताकि बैंगन जो बीच में थोड़ा कच्चा रहता है तो वो पक जाए। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो भरता है अच्छे से थोड़ा स्टीम हो चुका है। और अभी लास्ट में मैं यहाँ पे इसको मसल के थोड़ा सा इसके जो अंदर रहता है बैंगन आखा वो थोड़ा सा इसके मैश हो जाए, इसलिए मैशर की मदद से मैं यहाँ पे भरते को मैश कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से भरते को मैश कर लिया है और लास्ट में हम ये धनिया डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया को डाल दिया है और हम जाएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में सर्व करेंगे। तो ये देखिए बैंगन का भरता हमारा बनके तैयार हो गया है और मैंने इसको बाजरे के रोटले के साथ में सर्व किया है। और फ्रेंड्स अभी विंटर है तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मेरी रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हर हर महादेव। और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में, तब तक हर हर महादेव।